नमस्कार, जय हिंद। पत्रिका के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें ये जानकारी हम शेयर करेंगे कि इंदौर शहर में आपको अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है, तो जब हम गूगल के माध्यम से उसकी जानकारी निकालते हैं, तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए वो बताता है कि आपको 5 किलोमीटर जाना है और इसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट का एक समय लगेगा। लेकिन जब हम एक्चुअल परिस्थिति से रूबरू होते हैं, तो हमें जस्ट उससे 3 से 4 गुना समय ज़्यादा लगता है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपको विजयनगर से स्टेशन जाना था, तो गूगल के हिसाब से या जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन जब हम जाते हैं, तो हमें 40 मिनट और 45 मिनट, लगभग 2 से 3 गुना समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसका जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसके कारण आने वाले समय में हमें और परेशानी बढ़ने वाली है। तो मैं आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इंदौर शहर में लगभग 26 लाख से अधिक वाहन सड़क पर चल रहे हैं, जिनमें 95% से अधिक 2 व्हीलर्स हैं। मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि 95% से अधिक 2 व्हीलर्स हैं, और जो कार वाला जो सेगमेंट है वो या तो हमारे ज़्यादा करके बाहर और आउटर एरियाज को यूज़ करता है, तो कहीं ना कहीं वो शहर के अंदर पार्टिसिपेट अपने ट्रैफिक में नहीं कर पाता है। और जो लोग शहर में आते हैं, उनको निश्चित रूप से इन 2 पहिया वाहन चालकों के कारण एक ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप देखते होंगे कि कहीं भी किसी भी चौराहे पर अभी आप जाएंगे, तो इंदौर में एक बार में आप किसी भी चौराहे से क्रॉस नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई 15 सेकंड या 20 सेकंड का सिग्नल है, तो आप उससे एक बार में बाहर नहीं होंगे, आप हो सकता है थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम में आप निकलेंगे। तो उसके कारण आपका क्या होता है कि एक तो ट्रैफिक में होल्डिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर में 3 से 4 ट्रैफिक सिग्नल शुरुआत में थे, आज से मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, और आज की तारीख में इंदौर शहर में लगभग 70 के आसपास हमारे ट्रैफिक सिग्नल हो चुके हैं, और सभी जगह जाम की समस्या हम फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारी समस्या का निदान नहीं होना है, हमें एक स्थायी समाधान की अत्यंत आवश्यकता है। तो मैं इस विषय पर जो जवाबदार लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा आपसे आग्रह है कि जो सुझाव मैं दे रहा हूँ, कृपया अगर उन्हें अमल में लाया जाता है, तो निश्चित रूप से हम शहर को बेहतर बना सकते हैं और बहुत जल्दी इसके परिणाम भी हम देखेंगे। पहली चीज़ कि ट्रैफिक जाम लगने का सबसे बड़ा जो नेगेटिव ड्रॉबैक है, एक तो लोगों को समस्या होती है वो अलग, लेकिन जो पॉल्यूशन है, जो हमारा पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर चौराहे पर आप देखेंगे लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारा AIQ है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो बहुत गड़बड़ा जाता है। और हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में, जिसमें कि वायु प्रदूषण पर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, उसमें हम लोग बहुत माइनस मार्किंग में जाएंगे। और अगर लगातार ट्रैफिक बढ़ता रहा और अगर हमने स्थायी समाधान नहीं किया, तो भी ये एक समस्या आने वाले समय में हमें फेस करना पड़ेगी। तो जो हमारी पिछले 5-6 सालों से लगातार हम नंबर 1 लेके आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हमसे लोगों की आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उम्मीदें हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम उन पर काम करें। अब इस समस्या का समाधान क्या है? लगातार शहर में फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। इंदौर शहर में फ्लाईओवर्स के बजाय अगर अंडरपासेस बनाए जाते हैं, तो इंदौर शहर को ज़्यादा स्मूथली और बहुत तेज़ी से मैनेज किया जा सकता है और लंबे टाइम तक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदौर शहर में लगभग 95% जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम का कारण है, वो केवल 2 पहिया वाहन चालक है, और 2 पहिया वाहन चालक अंडरपास निकल सकता है, उसको फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है। जहाँ आपको बाईपास पर या जहाँ लगता है कि फ्लाईओवर होना चाहिए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जो शहर का जो इंडोर एरिया है, इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमें, ट्रैफिक जाम की समस्या। तो अगर इससे निदान पाना है, तो हमें जरूरी कि हम ट्रैफिक को स्मूथ करें, क्योंकि अगर ट्रैफिक स्मूथ रहेगा तो आपका जाम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोगों का इरिटेशन नहीं होगा, और दूसरा हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत तेज़ी से सुधार लेके आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप अंडरपास बनाते हैं, तो चूंकि हम लोड को नीचे लेके जाते हैं जमीन से, तो हमें उस समय लागत हमारी बहुत कम लगती है। जितने पैसे में 2 या 3 फ्लाईओवर पूरे शहर में बनेंगे, उतने में हमारे इंदौर शहर में लगभग सारे अंडरपासेस बनाए जा सकते हैं और बहुत तेज़ी से बनेंगे, और इनमें खर्चा भी काफ़ी कम होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर थोड़ा सा अमल किया जाए, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरपासेस बनाए जाए, ताकि जो 2 पहिया वाहन चालक है, वो किसी भी सिग्नल के आने के पहले अंडरपास से क्रॉस कर जाए, तो वो उस ट्रैफिक जाम का उस चौराहे पर जाके कारण नहीं बनेगा। आज हमारे शहर में ये हालत है कि रेडिसन पर जाएं हम, या पाटनीपुरा पर जाएं, रिगल पर जाएं, या हम व्हाइट चर्च पर जाते हैं, तो हमारे 2-2, 3-3 मिनट केवल सिग्नल पर खड़े रहने में टाइम हो जाता है। और जब अगर आपका नंबर दूसरी या तीसरी बार में आया, तो आप हो सकता है 10 से 15 मिनट एक ही सिग्नल पर रह जाएं। इतनी देर में आपकी गाड़ी भी स्टार्ट रहेगी, वो एक पॉल्यूशन छोड़ेगी, और जब हजारों गाड़ियाँ हो जाती है, तो आप उस स्थान का समझ सकते हैं कि
कितना हाई लेवल का पॉल्यूशन वहां पर हम कर देंगे, और ये पूरे शहर में हो रहा है। एक नियम भी है कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर में सिग्नल आना चाहिए, और हमारे यहाँ पर अगर आप एक सिग्नल से दूसरा सिग्नल देखेंगे तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर में बहुत सारे सिग्नल आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे शहर का जो मध्य वाला पोर्शन है या जो ट्रैफिक वाला एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, और ये एक गलत इंडिकेशन है एक अच्छे शहर के लिए। और ट्रैफिक जाम में दुर्घटनाएं रोकना एक पहली प्राथमिकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्राथमिकता है कि आप किसी भी स्थिति में ट्रैफिक जाम ना होने दें, क्योंकि हम कब तक पुलिस की डिमांड करेंगे कि यहाँ भी पुलिस खड़ी करो, वहाँ भी पुलिस खड़ी करो। अगर हम स्थायी समाधान कर देंगे तो हमें पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, इंदौर में अभी तक जितने भी फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं वो भी बहुत बड़ी समस्या का कारण बन चुके हैं, कि हर फ्लाईओवर के साथ हमें वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल खत्म होना था, हमें पुलिस की आवश्यकता वहाँ खत्म होना थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इंदौर शहर में बंगाली फ्लाईओवर्स बना, उसके आगे पिपलियाना का फ्लाईओवर बना, ये दोनों ही फ्लाईओवर पूरी तरीके से फेल हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको सिग्नल में ज़्यादा दिक्कत आती है, और अब हमको पहले एक या दो पुलिस के जवान मैनेज करते थे, आज वहाँ पर 5-6 लोग भी लगते हैं तब भी समस्या एज इट इज़ बनी हुई है। तो ये ऑपरेशन बिल्कुल गलत है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कैसे भी करके अंडरपासेस बनाए जाएं, और टू व्हीलर के लिए तत्काल बिना रोके उसको स्मूथ करा जाए, इससे हमारी क्वालिटी बहुत सुधरेगी, आपका शहर खूबसूरत होगा, और जो आपका और हमारा सबका सपना है कि शहर खूबसूरत हो, ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान मिले, और हम कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें, उसमें ये बहुत स्थायी समाधान होगा, क्योंकि हमारा ट्रैफिक 95% टू व्हीलर में, और यही वाहन सबसे ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं, तो इनको रोकने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर जगह किसी भी चौराहे पर आप सिग्नल पर जाएंगे तो आपको ये दोनों वाहन नहीं मिलेंगे, तो उससे एक फायदा होगा कि आपका 10 से 15 सेकंड में सिग्नल से आप फिर निकल सकते हैं, क्योंकि उस चौराहे पर टू व्हीलर वाला रहेगा ही नहीं, कार वाले रहेंगे, बस वाले रहेंगे, तो इनसे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान दें, और इस इनिशिएटिव के लिए मैं पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ मेक ए गुड सिटी एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल।